second sheet of maths, chapter 2, four operations. First sum, solve the following. In these three we will add, and these three we will subtract, and these two multiply, and these two divide. So add means, so add का मतलब होता है कि किसी दो numbers को एक साथ जोड़ें और उसका sum निकालें. और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी दो नंबर को किसी एक लार्ज नंबर से एक छोटे नंबर को घटाएं और उसका डिफरेंस निकालें. और मल्टीप्लाई का मतलब होता है दो नंबर्स को मतलब मल्टीप्लाई करना, मतलब जो जिसकी टेबल में आता है उसको लिखना. और डिवाइड का मतलब होता है सेम ऐसे हम बॉक्स बनाते हैं कैसा. और फिर यहाँ पे जो वो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, और यहाँ पे डिविडेंड, और यहाँ पे डिवाइजर, और फिर जो बचता है उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं. इसका मतलब होता है यहाँ पे एक नंबर दिया जाएगा और यहाँ पे एक नंबर दिया जाएगा, इसको डिवाइड करना है. तो इसको एक टेबल में ऐसा नंबर लेना इसकी ताकि उस नंबर से छोटा या तो सेम हो ताकि वो कट सके. चैप्टर द फोर ऑपरेशंस प्रैक्टिस शीट सॉल्व द फॉलोइंग. A1 38,90,583 प्लस 40,90,274. अब हम लोग इसको कॉलम्स में अरेंज कर लेंगे. तो यहाँ पे भी मैंने लिख लिया है ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, लाख्स, टेन लाख्स. अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे. थ्री प्लस सेवन टेन, ये सेवन है, फोर नहीं है, ये फोर ये सेवन नहीं है. सो फोर प्लस थ्री एट, सेवन प्लस एट. तो यहाँ पे एट टेन के ऊपर नहीं है तो हम लोग कैरी नहीं देंगे. सेवन प्लस एट फिफ्टीन, वन कैरी देंगे क्योंकि टेन से बड़ा है. फाइव को एक कैरी मिल गया. अब फाइव प्लस टू सेवन, सेवन का एक कैरी को ऐड करेंगे. सेवन प्लस वन एट. ज़ीरो प्लस ज़ीरो कुछ देता नहीं है तो ज़ीरो. नाइन प्लस नाइन एटीन, और एटीन टेन से बड़ा है तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग एट लिखेंगे और वन कैरी दे देंगे. और फिर एट प्लस ज़ीरो एट, और फिर वन कैरी का वन लेंगे. एट प्लस वन नाइन, और फिर थ्री प्लस फोर अगेन एट. तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 89,80,858. ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया. तो यहाँ पे एक और बार आंसर लिख के लिख देंगे 89,80,858. ओप्स, लाइन थोड़ी अजीब से ड्रॉ हुई है. ये सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है. इसमें क्या है, ये मैं कॉमा लगाना भूल गई. 87,98,9,258 तो अब हमें 23,893 को सब्ट्रैक्ट करना है 7,98,9,258. और हमें जब भी सम करेंगे तो हमें याद रखना है कि हमें जो भी सम दिया गया है प्लस का या माइनस का, ये साइन ज़रूर लगाना है. तो इसको अरेंज कर लेते हैं. बड़ा नंबर ये है और ये छोटा नंबर है तो हम लोग इससे ही सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं.
7,98,009,258. अब 87 दूसरा नंबर रेंज 87,23,893. ये हमारा रेंज हो गया। ये माइनस का साइन जो इम्पोर्टेंट है वो लगा लेते हैं। अब माइनस करते हैं, 8 - 3 = 5। मैं आपको फिंगर्स पे भी शो कर लेती हूँ, 5 और ये 8, तो 8 - 3 = 5। अब 5 - 9 पॉसिबल नहीं है तो ये कैरी कर लेते हैं, यहाँ से कैरी कर लिया जाएगा। 5 को कट कर देंगे, इसको 15 बना देंगे और 2 को कट करके 1 बना देंगे। यहाँ पे अगर या तो आप सीधा 11 भी बना सकते हो क्योंकि ये भी छोटा है और 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो इससे एक हम लोग मतलब माइनस नहीं होगा, तो इससे एक ले लेंगे। फिर 15 - 9 = 6। ये 1 है बच्चा, तो 1 - 1 तो हो नहीं सकता, तो 9 को हम लोग 8 बनाकर यहाँ पे एक ले लेंगे और फिर ये 11 हो जाएगा। 11 - 8, तो कभी कभी बड़े नंबर से छोटे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने में मुश्किल हो जाती है, तो आप ये कर सकते हो, जैसे 11 है तो उसका 1 हटा के 10 बचा, 10 - 8 = 2 होता है, और जो 1 बचा था उसको प्लस करके 3 लिख सकते हैं। ऐसे मैं वही मेथड यूज़ करती हूँ। फिर यहाँ पे 8 बचा, 8 - 3 यहाँ पे 5, और फिर 0 - 2 पॉसिबल नहीं है, तो 0 को 10 बनाकर, 0 जब भी आएगा तो उसको 10 ही लिखेंगे और 8 को हम लोग 7 बना लेंगे जिससे कैरी लिया था। 10 - 2 = 8, 7 - 7 = 0, 9 - 8 = 1, और 7 के लिए कोई सब्ट्रैक्ट करने की जगह नहीं है तो 7 ही ये रहेगा। फिर ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ आंसर लिख के लिख देते हैं, 7, 10, 85 और 365। रीड कर लेते हैं, 7,10,85,365। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लाइन खींच ली है, सम अरेंज कर लिया है, तो फिर ये हमारा प्लस का सम आया है, प्लस का सम आया मतलब ऐड का। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं, 4,89,7,233 + 5,90,72,444। तो यहाँ पे मैंने अरेंज कर लिया है। अब 4 + 3 = 7, और यहाँ पे भी 7 ही आएगा, तो आप इसको चेंज करके ये बना सकते हैं, एक को कट कर लीजिए और यहाँ पे 7 लिख दीजिए और आगे के भी 3 और 4 को कट करके 7। तो ये हमारा आंसर आता है 79,80,857। आप अपनी बुक के पीछे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर हर एक्सरसाइज के लिखे रहते हैं, हर सब्जेक्ट्स के लिए। तो वापस से चलते हैं, अब फिर से 4 + 3 = 7, 4 + 2 = 6, 7 + 2। हमें ये याद रखना है कि हम हमेशा राइट साइड से हम प्लस करेंगे, 7 + 2 = 9, 0 + 7 = 7, 9 + 0 = 9, 8 + 9 = 17, 10 से बड़ा है तो 1 कैरी, 5 + 4 = 9 और 10। और अगर 10 आए या फिर उससे बड़ा नंबर आए, तो अगर लास्ट और कैरी देने को किसी को नहीं है तो हम लोग उसी को ऐसे रख देते हैं। आंसर है 10
करोड़ 79 लाख 79,677। तो मैंने ये बड़ी एक्सरसाइज है, जैसे ऐड के 3 सम हैं, सब्ट्रैक्ट के 3 सम हैं, मल्टीप्लाई के 2, डिवाइड के 2, तो मैंने ऐड के 2 करवा दिए, जो आपका ये 1 सम आप खुद से कर लेना, सब्ट्रैक्ट के 1 ही करवाया है, तो बाकी के 2 सम आप कर लेना, क्योंकि ये सब बहुत ईजी रहते हैं। अब मैं अभी मल्टीप्लाई और डिवाइड का 1 और सम करवा लेती हूँ, और बाकी आप खुद से कर लेना। अगर आप वीडियो पे सारा देख लोगे तो आप खुद से कुछ कर तो नहीं पाओगे ना। तो नेक्स्ट सम है, तो ये हमारे अरेंज हो गया सम और वो। अब ये हमें याद रखने की पहले एक राइट हैंड साइड डिजिट से सारे डिजिट वो मल्टीप्लाई होते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे वो डिजिट लिखते हैं, और यहाँ पे एक डिजिट के नीचे क्रॉस लगा के इस वाले डिजिट से सिर्फ मल्टीप्लाई होते हम लोग लिखते हैं, फिर 2 क्रॉस लगाते हैं, और इस वाले डिजिट से हम लोग लिखते हैं जितने भी डिजिट हमें उतनी बार लिखना है। तो इस डिजिट से पहले शुरू करते हैं, 3 3 9, 3 0 0। कभी भी हम लोग 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। 3 9 27, 7 टू कैरी, इसमें भी 2 कैरी हो कैरीज होते हैं, पर हम दिखाते नहीं हैं, मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रही हूँ। या फिर अगर आप जो प्रॉपर कॉलम्स में अरेंज करो और आप कैरी की वो स्पेस छोड़ो तो आप वहाँ पे कैरी दिखा सकते हो, ये दिखा सकते हो या ना ये दिखा सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है, पर आप दिखा लेना। फिर 2 कैरी हो गया। अब 3 7 21 21 plus 2 22 22 23 3 up to ऊपर, और फिर 3 6 18 18 plus 2 20। तो अभी हम लोग कॉमा नहीं लगाएंगे, बाद ही में लगाएंगे, तो फिर कंफ्यूजन में आती किस कॉलम में लिखे किस में नहीं, फिर एक एक्स लगा देंगे या 0, दोनों ठीक है। और 2 3 6, 2 से शुरू करेंगे, 2 3 6, 2 0 0, 2 9 18, 8, 1 ऊपर, मैंने यहाँ पे वो कैरी के लिए स्पेस नहीं छोड़ी तो ऐसे लिखना पड़ रहा है। और फिर 2 7 14, 14 plus 1 15, 5, 1 ऊपर, 6 2 12, 12 plus 1 13, 3 यहाँ। अब ये एंड नहीं हुआ है, और x 2x लगाएंगे, और हमें ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना ज़रूरी है, और ये जो हम लोग लगा रहे हैं इसको बाद में प्लस करेंगे, और फिर हमारा फाइनल आंसर रहेगा वो ठीक रहेगा। फिर अब 7 बचा, तो 7 3 21 1, 2 ऊपर, 7 0 0 0 plus 2 2, अगर कोई कैरी है तो हम लोग जो भी कैरी है उसको ही लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर 7 9 63 3 यहाँ, 6 कैरी, 7 7 49 49 plus 6 equals 55 5 5 यहाँ कैरी। फिर 7 6 42 42 plus 5 equals 47, और इतनी हवा तेज चली इसलिए ये नॉइज आ रही थी अभी, तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। और फिर अब हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि हम लोग अब प्लस ही करते हैं। फिर 9 जहाँ एक्स है तो मतलब इसको 0 समझ लेंगे, 9 plus 0 0 0 equals 9, 0 plus 6 6 plus 0 6, 7 plus 0 7, और 7 बचा, 7 plus 1 8, 8 plus 2 10, 10 plus 3 13, 3 1 carry, 5 plus 3 8, 8 plus 1 9, 2 3 2 plus 3 5, 5 plus 5 10, 1 carry, 7 plus 1 8, 8 plus 1 9, 4. So here's our answer, 49 lakh. First, before placing comma, we have to remember,
do it in a mind like I just did it wrong. Let me just do it, write it again and do it again. 9. So 4,90,93,869. 4,90,93,869. Draw line and here's your answer complete. Let's check it in the book. बुक के पीछे आंसर दिए जाते हैं तो उसी से चेक कर लेते हैं. ये रहा हमारा चैप्टर. प्रैक्टिस शीट. ये था हमारा क्वेश्चन. ये था क्वेश्चन डी. तो फिर यहाँ क्लियरली दिख रहा है वो शायद से आपको नहीं दिख रहा होगा. मैं और कर लेती हूँ ये. हाँ तो फिर हम ये रहा डी. 4,90,93,869 और हमारा सेम आंसर आ रहा है. मतलब ये आंसर प्रॉपरली करेक्ट है. अब और भी चेक कर लेते हैं हम लोग. ये हमारा ए वाला जो था ए 79,80,857 का. अब दूसरा बी 7,10,85,365. This one is also correct. And then C1 10,79,79,611. यहाँ पे शायद से लास्ट में कुछ गलती हो गई होगी. 911 आ रहा है. सो लेट्स चेक इट. आई थिंक बुक में थोड़ी प्रॉब्लम होगी या क्या होगा, क्योंकि ये सम एकदम ठीक है. अगर हम इसको ऐसे वैसे प्लेस भी करें तो सेम टू सेम पहला आ रहा है 10,79,79 और 677 आ रहा है हमारा, क्योंकि 4 + 3 7 होता है. जैसे 5, 6, 7 3 + 4 4 में 5, 6, 7, 7, 7, 7 और 4 + 2 5 6 6 तो 677 आएगा. 9, 11 आ गए. नहीं आप एक बार आप चेक कर लेना. मेरा वही आंसर आ रहा है. अब एक डिविजन का सम कर लेते हैं. डिविजन का सो स्कोर अरेंज कर लेते हैं. ये हमारा सम अरेंज हो चुका है. लेट्स डू इट. तो हमें इसको 8 से डिवाइड करना है. तो 8 की टेबल में 8 कितनी बार आता है? 1. 1 8 8. अब इसको माइनस कर लेंगे और फिर आंसर आएगा हमारा 0 और 9 को नीचे उतार लेंगे. 9 तो 9 आया. पर अगर ये इमेजिन 8 से ये 8 से नंबर छोटा होता तो हम लोग इन दो नंबर को ले लेते, क्योंकि अगर 8 से छोटा होता, अगर हम 8 1 8 भी करेंगे तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि वो छोटा था ना. जैसे इमेजिन यहाँ 59 है, यहाँ 8 है, तो 8 से तो 5 छोटा है. अब अगर 1 भी करेंगे तो ये काट नहीं पाएगा, इसको कैरी चाहिए पर कैरी ले नहीं पाएंगे. तो हम लोग इन दो नंबर को ले लेंगे और फिर हमारा ये आसानी से कट जाएगा. 0 नहीं आएगा. 9 - 6 3
फिर लेट्स कंटिन्यू। अपन आए वन मोर वन, क्योंकि एट नाइन से जितनी भी मल्टीप्लाई करो नाइन नहीं आएगा, तो और जो भी नंबर नीचे आए तो उससे छोटा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, पर उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। फिर इसको भी माइनस कर लेंगे, 9 माइनस 8 1, और 3 नीचे उतार लिया तो 13, और फिर 8 2 16 होता है, और 13 से तो वो बड़ा है, तो फिर से 1 लेंगे और यहाँ पे 8 लिख देंगे, माइनस जो मैं वैसे पॉसिबल नहीं है, तो अगर हम लोग यहाँ से भी कैरी लें तो 13 ही होगा, तो इसी से एक ऐसे मल्टीप्लाई काट लेते हैं। तो 3 को साइड हटो और 10 को ला, 10 माइनस 8 इक्वल्स 2, 2 प्लस 3 5 5, और यहाँ पे 0 50। अब 8 5 45, माइनस 0 5 इज नॉट पॉसिबल, सो वी विल जस्ट टेक वन फ्रॉम इट, 10 5 5, एंड दिस विल बी 4 देन 4 4 0। तो यहाँ पे जैसे हम लोग जब इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 5 5 और 0 को उतारे तो 50 बन गया, तो इसके बराबर कोई 8 में वो नंबर नहीं है। हम लोग लेट से ही शुरू करते हैं, जैसे 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 45, 8 6 48, फिर 8 7 56। तो यहाँ पे कहीं हमें 50 नहीं मिल रहा, तो हम लोग यहाँ पे 6 लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 6 ज़्यादा करीब है, जैसे 6 8 48, तो आप 48 बना लेते हैं। 0 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, तो 5 से यहाँ पे हम लोग कैरी नहीं दिखाते हैं, तो 5 से इमेजिन कर लीजिए, 5 से यहाँ पे एक दिया 10 बन गया, 10 माइनस 8 2, अब यहाँ पे ये 4 हो गया क्योंकि कैरी दिया, 4 माइनस 4 0। अब 0 को नीचे लाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2 था वो ये पॉइंट के लिए, इसको साइड में पॉइंट कर लेंगे काट कर, पर आपको केयरफुल रहना है कि साइड में पॉइंट करें, नंबर के ऊपर ही ना पॉइंट करें। 0 पे 20 आ गया, तो 8 की टेबल में 20 नहीं आता है, तो हम लोग 2 ले लेंगे, 8 2 16, माइनस 0 माइनस 6 पॉसिबल नहीं है, तो 10 लेगा, 10 माइनस 6 4, ये 1 बन गया, 1 माइनस 1 0। अब लास्ट में 2 नीचे आएगा, 2 42। अब हम लोग 8 4 से लेंगे, 5 से नहीं ले सकते क्योंकि वो मीन्स 5 से ही लेंगे, और 8 5 से 40 होता है, 45 नहीं होता है, तो 40 माइनस 2 और 0, तो हमारा क्या आया, क्वेश्चन आया हमारा 1 1 1 6 2 5, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम आ गई, पर आप केयरफुली करना विथ हेल्प ऑफ पेंसिल, पेंसिल क्यों नहीं थी। तब इसको कॉमा प्लेस कर लेते हैं माइंड में रखकर, 1,11,625, और रिमाइंडर हमारा है 2, तो इसको पीछे बुक के देख लेते हैं, ये हमारा एच पार्ट है, पार्ट में एच, वो एच एक्सरसाइज है, तो एच का है क्वेश्चन 1,11,625 और रिमाइंडर 2, तो मतलब ये करेक्ट है। तो जो आपका होमवर्क यही रहेगा, मैंने यहाँ पे कुछ ही एक्सप्लेन किए हैं, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, और बाकी के बचे हैं तो आप वो खुद से करिएगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये जैसे चैप्टर में था
ऐसा वाला, ऐसे ब्रैकेट वाला जो था सेम आंसर आता है, वही यहाँ पे भी है। तो 567 प्लस वॉट इक्वल्स 453 प्लस वॉट, तो यहाँ पे ये रहेगा ही। तो जैसे यहाँ पे 567 दिया, यहाँ पे 453 और इक्वल दिया है, तो यही होगा कि ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा फिल ब्लैंक वाले स्पेस में, और ये वाला नंबर इस वाले ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा। तो इक्वल मतलब इसी को बस उल्टा कर लिया है, यहाँ 567 453 है और यहाँ पे 453 567 है। अब 67,902 x वॉट इक्वल्स 679,620, मतलब मल्टीप्लाई बाय वॉट 10 ही होगा, क्योंकि अगर कोई भी किसी भी चीज़ में अगर हम लोग 10 को मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से, तो उसमें बस एक जीरो ऐड हो जाता है। जैसे ये कौन सी एक्सरसाइज है, टू फिल इन द ब्लैंक्स। और ये मैं बता दूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, 1 घंटे का नहीं होगा, मैं पार्ट टू बना लूँगी इसका। ए 567 प्लस ब्लैंक इक्वल्स 453 प्लस ब्लैंक। तो यहाँ पे अगर आपको दो नंबर दिया हुआ है अलग अलग स्पेस में, मतलब ये वाला जो नंबर यहाँ पे दिया है उसी को यहाँ पे लिखेंगे, और ये वाला जो नंबर दिया है अगर यहाँ पे ब्लैंक हो तो उसी को वहाँ पे भी लिखेंगे। जैसे 567 प्लस 453 इक्वल्स 567, क्योंकि हमें नहीं पता है इसको कैसे करें कौन से नंबर, तो यही आएगा इक्वल टू साइन वाले में। बी क्या है हमारा, बी है 67,902 मल्टीप्लाई बाय वॉट, वॉट मीन्स ब्लैंक इक्वल्स 679,020। तो ये जीरो जीरो है, रिमेंबर दैट। इसको रफ कॉलम में करके देख लेते हैं 67। अभी यहाँ पे अपनी कॉपी का रफ कॉलम बनाते ही होगे ऐसे लाइन खींच के, तो उसमें आप ट्राई कर लेना या दिमाग में आप ब्रेन में कर लेना, तो वो दोनों तरीके से हो सकता है। 902 x 10, 2 0 से ज़ीरो, तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा सब तो ज़ीरो ही आएगा, और x और वन, वन मतलब सब कुछ आता है, तो 67,902 कॉम 020976। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करेक्ट आंसर है 10 यहाँ पे ऐड हो गया है। तो जैसे बुक में भी दिया था ये मल्टीप्लाई या ये सब, जैसे डिवाइड ये डिवाइड वाला यहाँ पे दिया है, और हमें मल्टीप्लाई वाला भी दिया है यहाँ पे, मल्टीप्लाई वाला भी दिया है आसानी से, ये ब्रैकेट वाला और ये वाला, जो भी वन से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है। वन को कहते हैं कहला जाता है, मींस बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे भी हमें दिया कि टेन से कैसे करें हैं, वो कैसे करें, तो वही आंसर होगा। ये एग्जांपल आप देख लीजिए, 15 और 12 ब्रैकेट में है, एक्सटेंड बाहर है, तो मतलब 15 और 12 पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 180। अब उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 118, मतलब 1800। क्योंकि ज़ीरो जो भी होगा तो 10 का ज़ीरो बस उस नंबर में ऐड कर लेंगे, और फिर वो हमारा हो जाता है हमारी प्रैक्टिस शीट, जैसे यहाँ पे आया था ना।
तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स टेन ताकि ये आए, और सी वाला, सी वाला क्या है, ये तो हमने बी समझ लिया, प्लीज सी है, ये बी था, तो बी है 0x78,90,231। तो जैसे हमने बोला कि ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो ही आएगा, तो लिख देते हैं ज़ीरो, ज़ीरो ही आंसर आएगा। ये सी वाला था और ये बी वाला था, फिर ज़ीरो हमारा आंसर आ गया। और फिर तो हमारा सी तक हो गया कंप्लीट, और फिर डी पे चलते हैं। 52,890 डिवाइडेड बाय व्हाट इक्वल्स 58,890। तो हम लोग इस नंबर को 52,890 को किस से डिवाइड करेंगे ताकि वही आए, वही नंबर आए। कैमरा थोड़ा अनस्टेबल हो गया था, तो ये हुआ पिड्डी। क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो आए, वही नंबर आना चाहिए, राइट। तो जैसे हमने पढ़ा वन यहाँ पे वन ही रहेगा। आपको मैं करके भी दिखा देती हूँ, 52,890 वन को इससे मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा। यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करो तो यही आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पार्ट। 589 मल्टीप्लाइड बाय 7,902 इक्वल्स ब्लैंक एक्स 589। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जैसा है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम, पर यहाँ पे बस ये दो नहीं दिए थे और यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, ये दोनों नहीं दिए थे, पर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ये तीनों दिए हैं। तो अब तो आपको आइडिया आ गया होगा, तो यही सेम नंबर 7902 ही यहाँ पे आएगा, 7902, क्योंकि और कहीं हमें नंबर पता नहीं चलेगा तो क्या हो सकता है ना, यहाँ पे ब्रैकेट भी नहीं है, तो ये हम लोग श्योर कर नहीं सकते कोई और नंबर होगा, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आने वाला है उसको करेंगे। ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर नहीं है, 7,900 कुछ ब्रैकेट के साथ नहीं है ना। तो ई एफ, एफ वाला अब क्या है, 78,88,901 सब्ट्रैक्टेड बाय व्हाट इक्वल्स ज़ीरो, सब्ट्रैक्टेड बाय व्हाट इक्वल्स ज़ीरो। तो इसका तो हमें आंसर पता ही है, इसको इटसेल्फ, आंसर इटसेल्फ ही आएगा, इटसेल्फ यही आएगा, 7,888,901। दोनों सेम नंबर जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो आंसर ज़ीरो आएगा। फिर एफ के बाद जी वाला, जी में क्या है, 92,257 प्लस वन मीन्स प्लस ब्लैंक इक्वल्स 92,258।
इसका मतलब है प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। एक्सेल को यहाँ पे अभी हटा दीजिए, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, क्योंकि प्रेडिसेसर मतलब कोई भी नंबर से एक एक माइनस करो, एक सब्ट्रैक्ट करो, और प्रेडिसेसर का मतलब एक प्लस करो। तो यहाँ पे 258 आया, 57 है, तो मतलब सक्सेसर की ज़रूरी के साथ 1 यहाँ पे प्लस होके वो आया है H1। 35,892 प्लस 289,278 प्लस व्हाट इक्वल्स ब्लैंक ब्रैकेट ब्लैंक प्लस 289,278 प्लस 56,902। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत कंफ्यूजिंग, ये एच वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, बोलने में भी बहुत कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे दो ब्लैंक स्पेसेस दिए हैं, दो ब्लैंक, ये दोनों ब्लैंक हैं। 35,892 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट बना है, उसके अंदर लिखा हुआ है वो 289,278 प्लस ब्रैकेट इक्वल्स व्हाट प्लस 289,278 56,902। तो इसको कैसे करेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो ये वाला आप क्वेश्चन रीड करो, फिर इस वाले पार्ट पे जाओ, इस वाले पार्ट को ढूंढने, क्योंकि अगर प्लस में ये नहीं है, ये नहीं है ना, तो ये है, कोई और नंबर है, तो मतलब ये वाला नंबर यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और फिर इक्वल टू साइन ये मिसिंग है, और ये दोनों ये वाला नंबर नहीं है, और ये है, और कोई और नंबर है, तो मतलब यही वाला नंबर यहाँ पे आएगा। मतलब जैसे आप समझ लीजिए, आपको एग्जांपल दे दूँ, ये कैरेट समझ लीजिए आप, ये मींस वाटरमेलन है, वाटरमेलन प्लस कैरेट, प्लस कैरेट हो गया इसकी जगह, और प्लस क्या होना चाहिए ब्रैकेट में, प्लस क्या होना चाहिए कैरेट के पास, वो कौन सा एनिमल खाता है कैरेट, यहाँ पे वो एनिमल होना चाहिए प्लस क्या होना चाहिए, तो इक्वल टू का साइन है, और फिर से ब्रैकेट बना हुआ है, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस दिया है, प्लस कैरेट दिया है, और ब्रैकेट को क्लोज करके प्लस एक बनी दिया हुआ है, मेरे को बनी बनाने नहीं आता, आई एम सॉरी फॉर ऑल बनी लवर्स, इसको एनिमल लिख देती हूँ, या फिर बनी रैबिट। तो फिर ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। तो फिर क्या ये जो वाटरमेलन था इसको हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि ये कोई नहीं खाता, और कैरेट खाता है कोई, तो इसको ढूंढने के लिए हम लोग दूसरे पार्ट पे चले जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, और फिर जंगल के से बाहर आएंगे तो हमें ये बनी मिलेगा जो कैरेट पहले से ही खा रहा है, तो हमें पता चलता है कि पैरेट वो कैरेट खाता है, जिसको हम लोग ले आएंगे क्रॉस करके जंगल वापस से यहाँ, फिर ये बहुत सारा वो खाने लगेगा कैरेट, तो ये वाला आंसर तो हमें मिल गया। और इस वाले ब्लैंक स्पेस का क्या करें, तो यहाँ पे कैरेट नहीं रहेगा, ये आप हम बनाना समझ लो, बनाना मेरे को नहीं बनाना था वो भी, इसकी जगह भी बनाना मींस इस वाले नंबर को आप दो चीज़ समझ लो, बनाना और कैरेट, पहले पार्ट में ये कैरेट था, दूसरे पार्ट में ये बनाना है।
और उस वाले पार्ट में हमें जो पहले पहले वाले पार्ट में जो सबसे पहले था बनाना वो नहीं दिखा, हमें बनी मिला। उसके बाद यहाँ पे बनाने नहीं का मंकी रहेगा, तो हम दूसरे पार्ट में जाते हैं। इस पहले दूसरे पार्ट की ब्लैंक स्पेस की खोज के लिए हम लोग पहली पार्ट में जाते हैं, यानी ट्रीज पर। अब ट्रीज पर सर्च करते करते हमें मंकी मिला और ये बहुत सारे बनानास खा रहा था, तो मैं समझ में आ गया कि बनानास खाता है। तो हम इसको बनानास के पास ले जाते हैं, ट्रीज वापस रिवर के पास, और फिर ये बहुत सारे खाता है बनानास। बहुत सारे बनानास खाता है, मंकी प्लस बनाना जो वो खाता है। तो ये आपको भी कंफ्यूजन लगा होगा, समझ में नहीं आया होगा, बहुत सारी आई ट्राइड माई बेस्ट टू क्रिएट सम रैंडम स्टोरी। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 35892 प्लस ब्रैकेट में ये नंबर है, प्लस ब्लैंक है और ये भी है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला नंबर रहेगा ये हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे कभी कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, तो सेकंड पार्ट में ही मेंशन किया गया, मतलब यही आंसर होगा। और ये वाला नंबर जो ब्रैकेट के बाद जो भी बाहर होता है वही आंसर होता है, कभी भी ये इस पार्ट में मेंशन नहीं किया गया, तो मतलब यही होगा पहले पार्ट में जो मेंशन किया गया था। अब ये मंकी वाला ड्रामा हटा के आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट आई पर। 768x498x89 ये सेम है, बस मल्टीप्लिकेशन खोज लो। यहाँ पे ब्रैकेट बना हुआ है पर ये वाला मिला नहीं है हमें, ये वाला हमको नहीं पता है। तो फिर हम इसकी खोज में सेकंड पार्ट में जाते हैं, और सेकेंड पार्ट में पहुँचते ही हमें ये ब्रैकेट के बाहर जो नंबर मिला है, नहीं इसको सेकेंड पार्ट में खोजने जाते हैं, पर जो भी हमने नंबर्स तो हमें ये बाहर जो ब्रैकेट में मिला था ये हमेशा नहीं हो सकते, ब्रैकेट वाला नंबर ठीक है, आई एम सॉरी फॉर सीन दिस, पर मिला था वो तो हमने पहले ही पार्ट वन में देख चुका था। अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर जाते हैं खोज में, तो हमें 498 मिलते हैं, ब्लैंक स्पेस मिलती है, ब्लैंक स्पेस तो हम देख ही चुके हैं, 498 हमने नहीं देखा पार्ट वन में, इस वाले पूरे पार्ट में। तो यही आंसर होगा इस चीज़ का, पे लिख दिए। अब इस ब्लैंक स्पेस की खोज में हम लोग पार्ट वन में जाते हैं, पार्ट वन में हमने 498 भी देख लिया और 8923 भी देख लिया, पर 768 नहीं देखा। तो यही आंसर होगा इस पे, जो हमने नहीं देखा है वही हमारा आंसर होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद एस्टीमेट द वैल्यू ऑफ, हमारा वन और टू हो गया है, और ये वीडियो 1 घंटा का नहीं होना चाहिए, तो हम ये सारी एक्सरसाइजेस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बाय।